नीतीश कुमार जी जब बेचैन हैं तो ह्यूमन चैन लेके आए और मानव श्रृंखला जो आज का हमको जो फीडबैक है पूरे बिहार से और जो वीडियो और जो तस्वीरें हम तक जो पहुंची है वो कहीं ना कहीं से सरकार जो है एक तरीके से जबरन जो है स्कूली छात्राओं को, शिक्षकों को, दीदियों को, आशा दीदियों को, जीविकाओं को, जबरन अधिकारियों को अनऑफिशियली बयान दे करके जुटवाने का काम किया गया। और दुखद है कि एक तरफ सरकार कहती है कि ठंड की छुट्टी होगी, बच्चे जो हैं उनके स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, और दूसरी तरफ जो है फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के, थर्ड क्लास के, फोर्थ क्लास के बच्चों को नंगे पांव खड़ा किया जाता है और कई सैकड़ों बच्चों जो हैं उनकी तबीयत बिगड़ती है। आप देखे होंगे कि दरभंगा से हमको जो सूचना मिली है वहाँ एक जो टीचर थे उनकी मृत्यु हो गई और समस्तीपुर में एक दीदी थी उनकी मृत्यु हो गई। आप सरकार देखिएगा, बिहार में जब बाढ़ आता है या पटना में जब जल जमाव होता है तो हेलीकॉप्टर नहीं मिलते हैं, और यहाँ पर आप देखे होंगे कि 15-15 हेलीकॉप्टर, 16-16 हेलीकॉप्टर केवल नीतीश कुमार जी ने फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए बुलाने का काम किया। खुशी होती यही गंभीरता के साथ अगर जल जमाव या बाढ़ या लॉ एंड ऑर्डर से निपटने का काम करते या बेरोजगारी को हटाने का काम करते तो बेहतर होता, बिहार के हित में होता। अब तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी का जो चेहरा, जो क्रेडिबिलिटी जो है जिस प्रकार से गिरा है, ये ह्यूमन चैन जो है हजारों करोड़ रुपए इसलिए लगाए गए ताकि नीतीश कुमार जी का फेयर एंड लवली जैसा चेहरा जो दागदार हो चुका था वो लोगों के सामने आए। ये हरियाली जो है जीवन देने का काम करती है, नीतीश कुमार जी ने तो जीवन लेने का काम किया। आप देखे होंगे ट्रैक्टर पर, आप देखे होंगे कि जिस प्रकार से टेम्पू पर लाद लाद करके बच्चों को, छोटे बच्चों को जिनको महत्व नहीं पता है किस लिए उनको खड़ा किया जा रहा है, उनको जैसे गाय भैंस को, बकरी को लाद करके ले जाया जाता है वैसे सरकार के लोगों ने लाद करके बच्चों को खड़ा करने का काम किया।